चलिए पी ऑफ एक्स प्रयाग, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, x की किस वैल्यू के लिए दिस विल बी जीरो। टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो पुट किया, वेरी गुड। यस वेरी गुड, सिट डाउन। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 5/2 के लिए द पी वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स विल बी जीरो। जस्ट करण की टर्न हो गई थी। चलिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-2। कैसे कैसे आया, वही तो पूछ रही हूँ क्या किया आपको, क्या पता लगा कि 2/3 ही पुट करना है। दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग, मतलब मैं रैंडमली वैल्यूज पुट करूं। ठीक है, सिट डाउन। नेक्स्ट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, सबसे सिंपल आया है। उस दिन भी इसमें बहुत इजी वाला आया था ना, एंड अगेन यू आर स्टार्टिंग। पहले जिनकी टर्न नहीं आई थी उस दिन, लेट देम टेल, नहीं आई थी उस दिन क्यों, जब मैंने कहा था कि सबसे इजी वाला आया है। ओके पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा मैंने इसको बिठा के फिर ध्रुव से पूछना शुरू कर दिया। यस एक्स इज इक्वल टू क्यों 3x इक्वल टू जीरो पुट किया, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से करो, बैठो जी। नेक्स्ट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ जी बेटा आपकी टर्न हो गई, डज मीन की यू आर फ्री टू टॉक इन द क्लास, वाई यू आर नॉट लिसनिंग टू देम। सिर्फ एक्स इज इक्वल टू जीरो, अच्छा इससे डाउन। नेक्स्ट किसकी टर्न है, इसी में अगर आपको यहाँ पे गिवन होता ए इक्वल टू जीरो, देन लेट हर टेल। हाँ और मैं कहती हूँ कि x इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, कोई और उठता है वो कहता है नहीं मैम x इज इक्वल टू 3 भी हो सकता है। जब आपको इसका कोफिशियंट 0 दे दिया ना, तो x जो है दैट कैन बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर वो हो सकता है आपका, वो हर, क्योंकि जीरो इनटू एनीथिंग इज जीरो। ठीक है, तो इस केस का ध्यान रखना है, वैसे ऐसा आता नहीं है, बट इन केस अगर क्वेश्चन को इस तरीके से ट्विस्ट दे दिया गया कि ए एक्स, सिट डाउन प्लीज, ए एक्स दे दिया और यहाँ कंडीशन दे दी ए इक्वल टू जीरो, ए अगर आपका जीरो हो गया, एक्स की वैल्यू जो मर्जी हो जाए, द ओवरऑल वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स विल बी जीरो। तो एक्स जो है दैट विल बिलोंग टू रियल नंबर, वो जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे ये कंडीशन गिवन है ए नॉट इक्वल टू जीरो। जब ए आपका जीरो नहीं होगा, तब आपकी जो वैल्यू आएगी एक्स की वो क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट किसकी टर्न है, सेम है यहाँ पे, उन्होंने एक्स का जो वेरिएबल था उसको हमें दे दिया कि दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। हम्म,
सो एक्स की वैल्यू माइनस डी बाय सी के लिए द पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, क्लियर है यहां तक. नेक्स्ट वी आर हैविंग द रिमाइंडर थ्योरम. क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम? हाँ जी साइमन, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? अच्छा वैसे, हाँ जी दिया, बैठो. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन. अब इसके अकॉर्डिंगली क्या होते हैं? नहीं, अब इसमें मुझे ये बताओ रिमाइंडर थ्योरम क्या हुई? और अगर डायरेक्ट निकालना हो, लॉन्ग डिविजन आई थिंक इज रिलेटेड करवाया हुआ है. चलो ओके, सिट डाउन. जो आपने यहाँ नाइन्थ में रिमाइंडर थ्योरम की है, व्हाट इज दैट? बुक में जो आपकी रिमाइंडर थ्योरम गिवन है वो क्या गिवन है? बुक देखो, बुक यू आर हैविंग इन फ्रंट ऑफ यू. बुक में रिमाइंडर थ्योरम क्या गिवन है? दिस इज एट पेज नंबर 39. हाँ जी बोलिए. मिला पेज नंबर 39 पे क्या गिवन है ये? एक मिनट, लवलीना यू टेल. अब इसमें हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है p ऑफ x, हमें कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन. p ऑफ x किस फॉर्म में हमें गिवन है? पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है? लीनियर गिवन है. अब वो कह रहे हैं कि अगर ये इस तरीके से आपको गिवन है, कोई भी एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, और हम ये कहते हैं कि x माइनस a जो है वो इसका फैक्टर है, हम ये कहेंगे कि x माइनस a जो है वो इसका फैक्टर है इफ p ऑफ a जो है दैट इज इक्वल टू जीरो. यानी कि अगेन जो अभी तक हमने कंसेप्ट किया था, x माइनस a को जीरो पुट करके x क्या आ गया आपका a. अगर p ऑफ a आपका जीरो आता है तो वी विल से दैट x माइनस a इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. और अगर कोई भी नंबर या कोई भी फैक्टर के लिए हम कहते हैं कि दिस इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आप x की वैल्यू उसको इक्वेट करके, जीरो के इक्वेट करके निकाल सकते हैं. ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो यहां से क्या आया, x इज इक्वल टू a जो है दैट विल बी अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ x माइनस a जो है आपका दैट डिवाइड्स p ऑफ x. x माइनस a p ऑफ x को कब डिवाइड करेगा? व्हेन p ऑफ a जो है दैट इज इक्वल टू जीरो. तो रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम जो है वो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होगे. रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या कह रहा है वो, कि x माइनस a जो है वो उसका अगर फैक्टर है तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, इसको इक्वल टू जीरो पुट करो. जो x की वैल्यू आ रही है वो p ऑफ x में पुट करो. यहाँ पे पुट करने के बाद जो आपको आंसर मिल रहा है दैट विल बी द रिमाइंडर. गॉट दिस पॉइंट? अच्छा उठो, मैंने क्या बताया मुझे बताओ. स्टैंड अप एट योर प्लेस. हाँ जी नहीं वैसे बता दो मुझे, कोई बात नहीं, मुझे समझ आ जाएगा. क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे वो बता दो मुझे. क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो वो बता दो.
I just want to ask the method, not the specific definition. हाँ जी, हाँ हमें फैक्टर गिवन होगा, हमें पॉलिनोमियल गिवन होगा, जो आपको फैक्टर गिवन होगा उसको इक्वल टू जीरो पुट करोगे, जो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट करोगे, सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर आएगा दैट विल बी द रिमाइंडर. अगर हमें क्वेश्चन आता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स टू द पावर 4, सो डाउन हेवन लॉन्ग डिविजन से नहीं करना, ठीक है. हाँ जी, अभी फिलहाल जो आपका टर्म 1 में, यानी कि जो प्री बोर्ड इसमें PT3 में आना है सिलेबस, दैट इज अप टू 2.3 ओनली, ठीक है. नहीं, पी ऑफ एक्स मुझे क्या गिवन है, दैट इज गिवन टू बी एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x2. बातें नहीं बेटा, प्लस एक्स प्लस 1, देन दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1. सो आपको किससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि वो एक अगर जीरो के इक्वल आता है तो फैक्टर गिवन है, नहीं आ रहा तो वैसे गिवन है, और p ऑफ x गिवन है. जिससे डिवाइड कर रहे हैं आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप उसको इक्वल टू जीरो पुट करके x की वैल्यू निकाल. x आ गया मेरे पास, अब मुझे क्या निकालना है रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए, p ऑफ 1. रिमाइंडर थ्योरम आपको क्या कहती थी, p ऑफ a विल बी द रिमाइंडर. तो p ऑफ a यानी कि x माइनस a की जगह x माइनस 1, x इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पे, तो p ऑफ 1. अब जहां जहां x है उसको रिप्लेस कर दो 1 से, सिंप्लीफाई करो एंड यू विल गेट योर आंसर. ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट कर दिया तो 2, यानी कि जब आप x माइनस 1 से x टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x2 प्लस x प्लस 1 को डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 2. यू कैन चेक इट बाय द लॉन्ग डिविजन ऑल्सो, ठीक है, क्लियर है ये चीज. तो इसमें क्या हुआ हमारा, अगर हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं तो रिमाइंडर निकालने के लिए तो हमारा जो टाइम है वो सेव हो गया. लॉन्ग डिविजन में यू डेफिनेटली नो कि आपको जो टाइम लगता है वो ज्यादा लगता है, बट यहाँ पे 3 स्टेप्स में हमारा सम हो गया. Got it? तो जब भी आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है when a polynomial is divided by some आपको given है other polynomial, तो आपने क्या करना है, इसको equal to zero put करके x की value find out कर लो, और वो x की value यहाँ पे polynomial में put करके जो simplify करके answer आ रहा है that will be your remainder. अगर वो remainder आपका equal to zero आ रहा है, अब यहाँ पे this is not equal to zero. अब नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स माइनस 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस, कि एक्स माइनस 1 इज नॉट अ जीरो मीन्स एक्स माइनस 1 पे इसको डिवाइड करने पे वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है. अगर वो उसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा यानी कि दिस इज नॉट अ जीरो. अगर वो पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं यानी कि रिमाइंडर अगर जीरो आ रहा है देन दिस नंबर विल बी द जीरो ऑफ दिस. हाँ जी, एक्स माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, क्लियर. नेक्स्ट आ जाओ अब इस पे, एक्सरसाइज 2.3, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x2 प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1. किसकी टर्न है नेक्स्ट, फर्स्ट है दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1. हाँ जी, एक्स की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, वेरी गुड. हाँ, एक्स को रिप्लेस कर देंगे माइनस 1 से. आगे क्यूब थ्री इंटू माइनस 1. नेक्स्ट स्टेप, माइनस 1 प्लस
थ्री प्लस थ्री इंटू माइनस वन इज माइनस थ्री, कटिंग हो जाएगी, क्या रह गया जीरो। तो इट मींस कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो दिस इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। सिट डाउन प्लीज। सिंपली उन्होंने हमसे रिमाइंडर पूछा था, तो जीरो विल बी योर आंसर। अगर वो पूछता है चेक इफ इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट, तो अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो आप लिख दोगे सिंस रिमाइंडर इज जीरो देयरफॉर एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अगर रिमाइंडर पूछा है तो जो आपकी वैल्यू आई है दैट विल बी योर आंसर। आप दोनों की टर्न हो गई थी। चलो स्नेहा, व्हेन एक्स माइनस वन बाय टू, यहाँ पे है माइनस वन बाय टू, ओके प्लस वन बाय टू हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब जहां जहां एक्स है कहां, हाँ क्या आएगा, हाँ अब क्या करेंगे, कितना आएगा एट फोर और टू का एलसीएम निकालने की जरूरत है, सीधा भी बता सकते हो। एट आ गया, आगे बोलना नहीं है बेटा, उसको करने दो। इतनी डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो ना आप हेवन। फोर से कैंसिल आउट, ओके दिस इज फाइव बाय टू। सिट डाउन। यहाँ एट आएगा, यस दिस इज एट, ट्वेंटी सेवन बाय एट, यस। क्या हो गया, नेक्स्ट इज एक्स प्लस पाई, एक्स x इक्वल टू जीरो आ गया। कहाँ, अच्छा ओके, आई थॉट दैट यू आर गिविंग द आंसर डायरेक्टली। सो पी ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन। नेक्स्ट एक्स प्लस पाई, माइनस पाई आ जाएगा। एक्स की जगह माइनस पाई, पाई नहीं बोलना इसको, पाई हंसने की बात नहीं है।
अब ठीक है उसका प्रोनाउंसिएशन। चलिए नेक्स्ट, पाई के माइनस पाई, क्यूब कहाँ गया? हाँ तो माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव, दिस विल बी द आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, फाइव प्लस टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाय टू। बेटा बोलना नहीं है, डाउन सो रिमाइंडर इज माइनस 27 अपॉन 8। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हूज टर्न इज दिस, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। पी ऑफ एक्स बोल लो पहले क्या है, एक्स क्यूब एंड इट इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। एक्स ए आ जाएगा, सिट डाउन, सो योर आंसर विल बी फाइव टाइम्स ए। नेक्स्ट, चेक वेदर सेवन प्लस थ्री एक्स इज अ फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर कब होगा, जब इसका जो रिमाइंडर है दैट विल बी जीरो। इट मीन्स वी आर टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। पी ऑफ एक्स बोल लो क्या है, एंड चेक हम किसको कर रहे हैं, इक्वल टू जीरो पुट करके एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस, साइन बहुत ध्यान से लगाने हैं। माइनस
नेक्स्ट माइनस 343 अपॉन 9 ओके हाँ जी बेटे बाहर 3 भी था ना वो कैंसिल आउट हो गया 9 रह गया आगे अब मैंने क्या गलती की है यहाँ पे I have made one mistake. Yes, it's minus 490. So, आगे cancellation possibility है. So, this will be your answers. तो अब check कर रहे थे हम check whether this is a factor of this or not. अब आप लिखोगे Since P of minus 7 by 3 is not equal to 0, therefore 7 plus 3x is not a factor of P of x. Clear? So with this your chapter 2 is over and tomorrow we will start with chapter construction. So you are to bring your geometry material. Online students, if any doubt is there, you can ask. Otherwise